हम लोग जा रहे हैं तिलवाड़ा का बहुत ही मशहूर मेला देखने के लिए। जैसे ही जाते आगे बढ़े तो वहाँ का मौसम ख़राब हो चुका था, तो फिर हमें कहीं रुकना पड़ा। और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं तो फिर वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुका था, तो फिर अपने बाइक निकालते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने मंजिल को और यानी मेला देखने के लिए। आए हुए तिलवाड़ा के पशु मेले में, जो राजस्थान का सबसे मशहूर मेला है। विभिन्न प्रकार की दुकानें देखने के लिए निकल पड़ते हैं मेले की ओर। यह है पुराने जमाने के लकड़े की कंघी। ये विभिन्न प्रकार के आइटम जो पशुओं को बांधने के लिए या फिर अन्य प्रकार के आइटम है। ये पशुओं को सजाने के आइटम है। जिन्हें पशुओं को सजाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये डांसिंग हॉर्स के मालिक आकर्षण, तो ये घोड़ी आप बेचने के लिए लें खाली डेमो के लिए 51,000 रुपये। और ये कौन सी नस्ल की घोड़ी? हिंदी नस्ल की। और ये डांस करती है, आप देख सकते हैं ये डांसिंग हॉर्स। हर साल आप आते हैं मेले में? इस बार मेला कैसा रहा? ठीक है, बढ़िया रहा। आप ही पशु व्यापारी तो मेले में व्यवस्था से संतुष्ट है? व्यवस्था बढ़िया है, बढ़िया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पशुपालक, पशु व्यापारी और आम जन यहाँ पर मेले में। ग्राम तिलवाड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर, रावण श्री मल्लीनाथ पशु मेला 2023। यहाँ पर बहुत ही खुश मुद्रा में बाड़ा में यहाँ मेरे से चारों तरफ घोड़े ही घोड़े नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग मारवाड़ी, काठियावाड़ी, नुकरा नस्ल और सिंधी नस्ल और विभिन्न प्रकार की नस्लों के यहाँ पर घोड़े आप देख सकते हैं। रावणनाथ पशु मेला तिलवाड़ा 2023, ग्राम तिलवाड़ा, जिला बाड़मेर, राजस्थान में हर साल ये मेला आयोजित होता है। जलेबी खा के फिर निकलते हैं। इस तरह से चने तैयार किए जाते हैं लोगों को बेचने के लिए। बच्चे से गर्मा गर्म चने निकलते हुए फिर आते हैं शॉप पे। राजस्थान के विभिन्न गांवों से लोग आए हुए थे। झूले को देखते हुए, मेला देखते हुए नरसिंह दास जी महाराज के दर्शन हो चुके थे, तो फिर नरसिंह दास जी महाराज के दर्शन करके फिर लौटते हैं घर की ओर।